गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम प्रतिशत यानी परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। ये 9/16 को हम दर प्रतिशत में कैसे बदलें? 9/16 करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 100 करेंगे तो हो जाएगा 900/100/16। तो 4 × 16, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 16, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी कि कितना हो गया? 225/4। 4 × 5 = 20, अभी कट रहा है तो काटते हैं। 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 1/4, यही आ गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रतिशत का मतलब पता है कि 100 होता है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 48 × अब हम क्या है कि कितने प्रतिशत, तो हमें कितने प्रतिशत नहीं पता है, तो कितने प्रतिशत को हम यक्स मान लेते हैं। यक्स बटा 100 = 6। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 48 × 600। तो यक्स बराबर हो जाएगा 600/48। तो 6 × 6 = 48, तो हो गया यहाँ पे 100/8। 8 × 8, 8 × 2 = 16, 4/8, 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो हो गया इधर 12 सही 1/2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर दोस्तों, 12 सही 1/2 फाइनल आंसर आ गया। दोस्तों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी तरीके से हम इस तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 18 × कितने प्रतिशत, तो कितने नहीं पता है, तो हम कितने प्रतिशत के एक्स मान लेते हैं 100, और इधर जो है तो ये बराबर के कितना था, 36 था। अब इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा ये 18x = 3600। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 3600/18, 18 × 18, 18 × 2 = 36, तो हो गया x बराबर कितना हो गया, 200। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि जो 12 ग्राम में पूछा है, तो इस 3 किलो को हम जो है 3 kg को हम क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो हमें पता है कि 1 kg = 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 kg = 3000 ग्राम, तो हम उसी तरीके से रख लेते हैं 3000 g × कितने प्रतिशत तो नहीं पता है, तो x/100 = 12 ग्राम। ठीक है, अब इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 x = 1200 / 3000। 00 से 00 कट गया, अब 6 × 2 = 6, 5 तो हो गया कितना, 2/5। ठीक है, 5 आया। अब 2 का 5 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि बड़ी संख्या का जब छोटी संख्या में भाग करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 5/2 है। अब भाग जा नहीं रहा, तो हम पहले डायरेक्टली दशमलव लेते हैं, और जब दशमलव ले लिए तो यहाँ पे हम शून्य रखने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब 5 का टेबल पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 × 4 = 20। अब जब पूरा भाग जाए तो हम चेक करते हैं, चेक जब हम करेंगे, जैसे 5 × 4 जा रहा है ना, तो 5 × 4 = 20, तो अब हम जब 4 जा रहा था, जब हम 5 × 4 करेंगे, तो जो हमको आंसर मिलेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई जो हमको मिलेगा वह इस 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह 20 या उससे कम ही होना चाहिए, तो हमें 20 आ रहा है, यानी कि 4 बार जा रहा है, तो इसलिए हम 4 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम इसका यहाँ पे भाग दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, हम अपने से रख देते हैं ताकि अच्छा लगे, 0.4 कर देते हैं। यही आ गया दोस्तों फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इस प्रकार से है कि 4 अनुपात 5 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट, ठीक है, यानी कि कितने, यानी कि क्या है परसेंट, 4 अनुपात 5 क्या है परसेंट। तो हम क्या करते हैं, इस अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, लिख लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, इधर हम 100 कर देते हैं, क्योंकि इस परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। अब यहाँ पे भाग कर देते हैं 5 20 से 100 और 20 चौको 80%, यही आ गया जो है। तो दोस्तों आंसर हमारा नेक्स्ट 6वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 432 × 6 3 18 2 20/3, ठीक है, और गुणे पे यहाँ पे इसका जो है तो मतलब होता है 1/100। चाहे हम 100 रख दें या कि 1/100 पूरा रख दें, इसका मान होता है, इस परसेंट का मान होता है 1/100। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10 तो हो जाएगा कितना, 432/4 32/5 15। अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, इसको हम जब भाग किए तो पर 3 1 3 3 और 1 बचा तो 3 चौक 12 3 चौक 12, यानी कि बराबर के हो गया हमारा 144/5, ठीक है। अब जब हम इसको भाग करते हैं तो 5 2 10 कितना बचा, 4, तो 5 8 40 कितना बचा, 4 तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0.5 8 40 ये आ गया दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इस प्रकार से है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि देखिए दोस्तों, क्या है कि कोई भी अगर परसेंट की बात हो रही तो कोई भी परसेंट अपने आप में 100% होता है। अगर परसेंट की बात हो रही है तो कोई भी परसेंट अपने आप में 100% होता है। तो 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। 10% की वृद्धि कर देते हैं तो माना, पहले हम देख लेते हैं कि माना कि वह भिन्न 1/b है, क्योंकि हमें पता नहीं है भिन्न, ठीक है, किसी भिन्न के तो हमें भिन्न नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि वह भिन्न 1/b है, माना कि वह भिन्न 1/b है, तो ए यानी कि अंश में क्या कह रहा है, यही ना कह रहा है कि अंश में 10% की, अंश में 10% की, अंश में 10% की वृद्धि, मतलब 110%, क्योंकि परसेंट अपने आप में 100% होता है, तो 110% हो गया, ठीक है। और बी जो है, जो बी वाली जो भिन्न है, तो हर में 12% की कमी मतलब 12% की कमी मतलब 88%, कितना 88%, 100 में 12 कटेगा तो 88% बचेगा ना, 88%, तो कितना हो जाता है, 15/64 हो जाता है, गुणे में इसको कर लेते हैं 88/110, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो बदल जाएगा, अब 11 8 88 11 10 110, 5 3 15 5 2 10 2 4 8 4 1 4 6 24, ठीक है, तो कितना हो गया, 3/16, यही आ गया जो है तो हमारा फाइनल आंसर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय।